हे गाइस, वेलकम बैक। एंड हम लोग आ चुके हैं एक और एपिसोड के साथ। तो यार, पिछला एपिसोड नहीं देखा जाके देख सकते हो, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है। एंड हम लोग आज करने वाले हैं कि मिस के पास जाएंगे, जितने सारे हम लोगों को जो पेपर्स चाहिए था वो मिल चुका है, मतलब मैगजीन्स, एंड उसको काट के कुछ बनाने वाला है, जिसको कालीज कुछ बोलते हैं। तो हम लोग वही बनाने वाले हैं आज के एपिसोड में। एंड देखने वाले हैं हम लोग क्या होने वाला है एपिसोड में। तो चलो यार, एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग आ जाते हैं एकदम डायरेक्ट मैम के पास। एंड देख सकते हो, जो हम लोग जहाँ थे, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट रुका था, वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी मैम के पास चल के देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सारा मैगजीन्स जो है वो लेके आ गया। ओके, मतलब जो भी पेपर्स वगैरह कुछ भी। यू नो द फीमेल बॉडी कैन हैव ए अपवर्ड्स ऑफ 30 डिफरेंट इरोजेनस जोन्स। पता नहीं इसका मतलब क्या है, बट तुम लोगों का पता है तो कमेंट कर देना। एंड रियली, तो यहाँ राइट पूछ रहा था सच में वो एब्सोल्युटली। तो चलो आगे देखे देखे, वायर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर, पता नहीं क्या है। एंड मियाँ पे मियाँ को टच कर रही हैं। आई कुड शो यू सम टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो अगर मैं तुम्हें शो कर सकता हूँ वो कैसे होता है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। तो हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है अभी। ओ या, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर। तो यहाँ पे मियाँ बोल रही कि मैं उस चीज़ के लिए अभी तक रेडी नहीं हूँ। एंड आई एम बैक। तो यहाँ पे रायु आ चुका है, दे आर रायु। तो रायु यहाँ पे अभी नोटिस किया मैं एक्चुअली, और तब तक तो मियाँ से बात कर रही थी मैम। इट्स लुक्स लाइक यू फाउंड अस सम मैगजीन्स। तो तुम देखने में लग रहा है कि तुम्हें बहुत सारा मैगजीन्स मिल गया। यू वुड नॉट बिलीव हाउ मच ट्रबल इट वॉज। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इसको लाने में बहुत ज़्यादा मैंने परेशानी झेलना पड़ा। आई मैनेज टू गेट प्रीटी गुड स्टैक ऑफ थ्रू। मैंने बहुत सारा मतलब मिल गया मुझे। एंड आई सी दैट कुकिंग मस्ट क्या लिखा है, मस्कुलिन वर्कआउट एंड नहीं क्या और ओ गुडनेस। तो यहाँ पे मैम के पास देखने को मिल जाता है तुम्हें। या सॉरी एंड ए डोंट बी सॉरी, सेक्स इज द नेचुरल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सच बोल रही है मैम, सेक्स एक सही बात है। और मियाँ एंड आई आर बिग गर्ल्स एंड यू कैन हैंडल इट राइट मियाँ। तो मियाँ यहाँ पे थोड़ा सा से है, बट मैम यहाँ पे कॉन्फिडेंट बढ़ा रही है उसका उनका उसका। तो आगे चल के देखते हैं। ओके एंड वो मियाँ या ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मियाँ मान गई मैम के साथ। ओके वी शुड प्रोबेबली गेट स्टार्टेड ऑन द कॉलेज। ओके कॉलेजेस वो साउंड गुड। तो चलो स्टार्ट करते हो। सो आई वांट यू गाइस टेक ए लुक एट दिस। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग इस चीज़ को देखो। तो देखते उसमें क्या रखा हुआ है। तो उसमें कुछ फ्रूट्स है। अरे यार, ये फ्रूट्स को अजीब सा दिख रहा है। ओके एंड फ्रूट्स नॉट इट ब्यूटीफुल। तो देखने में सुंदर नहीं लग रहा, जस्ट लुक एट द ग्रीन ऑफ द बनाना मियाँ। तो यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ दिखा रहा है मैम। Is the con is not the same. And Rai, what do you think about that? Pata nahi ho kya chahiye. I don't know. And is juicy looking. Don't you just want to get a little nibble? Nahi chahiye kuch bhi ho, I guess. Yes. That's all right. You can take all of the time you need. To itna kaafi hai. Tum log jitna time chahiye le sakte ho. आई वॉन्ट यू बोथ ऑफ टू लुक एंड वेरी क्लोजली। तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों इसको सही से देखो। एंड द इंस्टेड ऑफ द सही यू थिंक यू आर रेडी एंड विल स्टार्ट ऑन द कॉलेज। ओके तो जैसे तुम लोग रेडी हो गए, हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना कॉलेज बनाने के लिए। आई वॉन्ट यू टू कैप्चर एग्जैक्टली हाउ द सेफेबल एंड डिलीशियस फूड मेक यू फील। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग इस फूड को साइज को सही से देख लो एंड बिल्कुल वैसे ही बनाना, देखने में तुम लोगों को अच्छा भी लगेगा। ओके तो यहाँ पे रायु देख रहा है फ्रूट को बनाने के लिए। यस मैम, वेरी गुड, जस्ट डू वॉट एवर फील्स नेचुरल। जस्ट करते रहो जो फील नेचुरल चीज़ें हैं। यहाँ पे आयु बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके आयु नॉट रियली श्योर द मिस रोज फॉर सर्विंग टू फ्रूट वेल यू मेक मी फील। ओके आई वंडर हाउ मिया डिड ऑन हर। देखते क्या बना रही है। ओह दिस इज ट्रूली रीम।
रिमार्केबल राइव। तो यहाँ पे राइव बनाने से कुछ एक बना दिया जो रोबोट जैसा दिख रहा है आधा, और रियली राइव ऑसम। तो यू हैव सच ए ब्राइट इमेजिनेशन। थैंक्स मिस रोज। हाउ आर यू डूइंग ओवर मिया? तो मिया से पूछ रही है अभी, मिया क्या बनाई है? मिया तो कुछ बना ही नहीं पाई। सो आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग मिस रियली। हे यू जस्ट कांट हेल्प आउट ऑफ द वर्ल्ड करने। तो यहाँ पे मिस मतलब अपना जो मियाँ है वो तो पूरा पूरी देख सकते हो अपने जो मिस मतलब वो काट बूट के छिटक दिया। ओके कुछ बना नहीं पाई बेचारी यार, बना नहीं पाई यार। व्हाट डू यू थिंक राइव कॉलेज? ओके तो अब राइव को देख के कैसा लग रहा है, मतलब एक कॉलेज है यार। ओके एंड कॉलेज या कॉलेज जो भी इसको, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, अच्छा लगेगा भाई। एंड दैट्स अ वेरी गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स डियर। तो अच्छा है, आई शुड प्रॉब्ली गो टू टेक अ शावर। तो मियाँ यहाँ पे बोले कि मैं जाके नहा लेता हूँ क्योंकि उसका कपड़ा वपड़ा गंदा हो गया। हे दैट्स अ गुड आइडिया, आ जाओ। और प्रॉब्ली यू लाइक टू कम विथ एंड वॉश योर बैग? तुम अगर चाहते हो तो हम लोग आ सकते हैं तुम्हारा बैग वॉश करने के लिए। यहाँ पे मिस ऑफर कर रही है। नो नो दैट्स ओके, आई प्रेफर दिस ऑलरेडी। तो यहाँ पे बोले मियाँ बोले कि नहीं नहीं मैं अकेला नहा लूँगी। तो सूट योर गुड पार्ट। यहाँ पे मियाँ जा रही है नहाने। एंड यू नो आई एम वेरी प्लेस्ड विथ योर प्रोग्रेस राइव। तो यहाँ पे मिस मैम बहुत खुश है राइव से। या आई एम हैविंग अ गुड टाइम, क्या मेरा सही से टाइम चल रहा है, राइव यहाँ पे बोल रहा है। आई हैव ऑलवेज फाउंड सो एक्साइटिंग वॉचिंग ए यंग आर्टिस्ट एट वर्क। तो मैं हमेशा में मुझे वो अच्छा लगता है कि वो योग आर्टिस्ट को देखना, मतलब जो नया नया हो सक रहा है। ओके गर्ल्स आर रियली ड्रॉन टू मी विद द टैलेंट। तो दे आर ओके। ओ यस जस्ट रनिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, आई डोंट नो। तो यहाँ पे केला खाना स्टार्ट कर देते हैं मैम। अरे भाई कैसे खा ली? डिड यू जस्ट सोलो दैट इंटरेस्टिंग? तो यहाँ पे पूरा का पूरा खा लिया भाई एक बार में। व्हाट डिड यू लर्न टू डू दैट? आपने कहाँ से सीखा? राइव पूछ रहा है भाई तेरे को क्या ट्राई करना है क्या? आई हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट्स, यू डोंट नो। मैम के पास बहुत सारा टैलेंट है जो हम लोग नहीं जानते। ओके आई स्पेंड अ ईयर ऑफ इंडिया स्टडिंग टेक्निक्स ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। वाओ ये भाई हम लोग इंडिया में सीखा है चीज़। तो केले खाना कैसे खाते हैं भाई? ऐसे कौन खाता है इंडिया में? पता नहीं कौन खाता था, देखा गिरे बंदर खाता था क्या? बंदर भी ऐसा नहीं खाता। दे थॉट मी हाउ टू ओवरकम माई गॉग रिफ्लेक्स वॉक, दैट्स बट कूल इज नॉट इट? ओ माई इट्स गेटिंग लेट। तो अभी देर हो रहा है, पता नहीं किस बात के बारे में। ओ आई मीन रात हो जाएगा। ओके बेटर गो टू गेट होम योर सेल्फ। तो अभी तुम जा सकते हो घर अपने। या दैट्स प्रोबेबली गुड आइडिया एंड थैंक्स फॉर लेसन। तो यहाँ पे देखते हैं मैम से पूछ के। ओके तो दे आर यू टू? तो हम लोग आ चुके हैं। आई हैव गॉट द मोर एक्साइटिंग न्यूज एंड व्हाट इज इट? तो यहाँ पे राय पूछ रहा है क्या है न्यूज? आई मीट ए नाइस लेडी इन द मॉल एंड द लास्ट नाइट एंड वी गॉट टू गुड फॉर टॉकिंग एंड इट्स टर्न आउट द सी डन सम न्यू मॉडलिंग बिफोर एंड सी एग्री टू कम हियर एंड मॉडल फॉर अस। तो मिस रोज किसी को बुलाया जिसके नूड हम लोगों को ड्रॉ करना है। रियली ओ डिड यू से मॉडलिंग? तो यहाँ पे मियाँ थोड़ा सा से है। ओके मियाँ आस्क कर रही है क्या सी गोना डू इट फॉर फ्री टू? आई कुड नॉट बिलीव इट। तो दैट्स ऑसम। तो कौन है भाई देखते हैं। इट्स नॉट दैट ऑसम या ऑसम, सो कैन फाइनली डू सम रियल आर्ट। इट्स टू बैड टू ऑल नो द ब्रोकन डाउन इन द एक्सेल। हाउ आर वी गोना वर्क ऑफ दस ओल्ड थिंग्स? तो दे आर प्रैक्टिकली फेलिंग फॉर्ट। ओके हम जो नो वॉक ऑन द फ्लोर। तो देखते हैं क्या चीज़ है। ओके इट्स रियली नॉट आइडियल। व्हाट इफ आई बिल्ड एज ए कैप कपल न्यू वंस? रियली श्योर व्हाई नॉट? तो ओ दैट विल बी अमेजिंग राइव। तो यहाँ पे राइव कुछ ऑफर किया है। ओके यू आर जस्ट अ स्वीट स्टूडेंट आई हैड। ओके आई कैन हैंडल एन सेल्फ प्रॉब्लम but just have fun and right okay hurry back please hold you। तो देखते हैं हम लोग क्या बनाने वाले हैं। आई शुड बी इजी इज टू बिल्ड ए कपल इट्स इज पता नहीं क्या चाहिए। चलो
That tools will be in the garage. I can found a Rudy Gold tree house. तो नेक्स्ट एपिसोड हम लोग करने वाले हैं गैरेज में कुछ काम, तो अभी हम लोग गैरेज के सामने चलते हैं। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। मेरा थोड़ा सारी तबीयत खराब है इसलिए मैं कुछ दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा। 2 दिन के बाद भी वीडियो फिर से आ सकता है या कल आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। गुड बाय।